मित्रों स्वागत है आपका इस वीडियो में। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार, अभ्यर्थियों की बातचीत के वायरल ऑडियो की जांच का सच आया सामने। जी हाँ मित्रों, ये वीडियो जो है पूरी तरह से पोल खोल के रख देगा कि अभ्यर्थियों की बातचीत के वायरल ऑडियो की जांच का क्या सच है। मित्रों आपको बताते चले, जहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी इस आस में अभी भी लगे हुए हैं और निरंतर आस बनाए रखे हैं कि इस भर्ती में जो बड़े स्तर पर धांधली हुई है उस पर शीघ्र जांच होगी और अधिक से अधिक आरोपी पकड़े जाएंगे और इस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बाद आगे बढ़ेगी। बड़े स्तर पर ये भर्ती में यदि जांच में आरोपी पकड़े जाते हैं तो भर्ती को कैंसिल करके पुनः ये भर्ती कराई जा सकती है या प्रदेश गवर्नमेंट अभ्यर्थियों के हित में कोई न कोई कार्य करेगी। लेकिन मित्रों ये जो पोल खोल हमारा ये वीडियो है पूरी तरह से इस भर्ती में जो जाँच चल रही है उसका पोल खोल के रख देगा और जो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ इसमें चल ही रहा है, साथ ही साथ उनके भावनाओं के साथ भी जो खिलवाड़ चल रहा है इस वीडियो से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों आपको बताते चले, एक आईपीएस जो अनिरुद्ध सत्यार्थ पंकज जी थे जो उन्होंने बहुत तेज़ गति से इसमें कार्य किया, उनका जब से ट्रांसफ़र हुआ तब से इस भर्ती में जो तथ्य तेज़ गति से सामने आ रहे थे पूरी तरह से ठप हो गए हैं। अब केवल किसी तरह से इसका कागजी कार्रवाई चल रहा है और कहीं से भी तेज़ गति से काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी इसके 6 से 7 आरोपी जो पहले से गायब हैं जिनको पकड़ने पे बहुत आसानी से पता चल सकता था कि कितने स्तर पर धांधली हुई है या कितने सारे लोग इसमें लिप्त हैं, उनको अभी तक पकड़ा ही नहीं जा सका है। और साथ ही साथ जो उस डायरी में 17 से 19 लोग मिले उस डायरी के लोगों का भी सारा साथ छवि तक नहीं जुटाया जा सका है, ना उनके द्वारा पूछा ही जा सका है कि कितने पैसे उनके लगे या कितना धांधली में वो लोग आगे आए हैं। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसमें जो लोग इस ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, यदि इसका जाँच पूरी तरह से बढ़िया से हुआ होता तो उस पर भी क्या होता। तो आइए देखते हैं ये जो बातचीत का वायरल ऑडियो है इसकी जांच में अभी तक क्या हो पाया है। आप यहां देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने एसटीएफ के महानिदेशक को अनुरोध पत्र भेजा था। वायरल ऑडियो संदेश में 2 कथित अभ्यर्थी परीक्षा पास कराने के लिए लेन देन की चर्चा कर रहे थे और इसकी फॉरेंसिक जाँच चल रही है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। सोशल मीडिया पर फरवरी 2020 में एक ऑडियो संदेश खूब वायरल हुआ। इसमें 2 लोग परीक्षा पास कराने के लेन देन पर चर्चा कर रहे थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसका संज्ञान लिया और 11 मार्च को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सचिव परीक्षा नियामक ने 12 मार्च को ऑडियो संदेश की सीडी फॉरेंसिक जांच के लिए निदेशक राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ को भेजी और कोरोना संक्रमण बढ़ने से इस मामले की जांच रिपोर्ट परीक्षा संस्था को कई माह बीतने पर भी नहीं मिली। 11 मई को सचिव परीक्षा नियामक ने ईमेल पर पत्र भेजकर जाँच आख्या मांगी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से डीजी के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने स्पेशल टास्क फोर्स के महानिरीक्षक को पत्र भेजा है और इसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के साथ वायरल ऑडियो के संदेश की भी आप एसटीएफ से जांच कराएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराएं। असल में फॉरेंसिक लैब पुलिस महकमे के अधीन है, उसे जांच रिपोर्ट जल्द मिल जाएगी। सचिव ने एसटीएफ को सारे रिकॉर्ड भेज दिए। तो ये अभी तक जो ऑडियो 11 मार्च को आप कह सकते फरवरी में बहुत ज़्यादा ये वायरल हुआ था और 11 मार्च को उन्होंने भेजा है इसमें कार्रवाई के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं फरवरी से 4 महीने अभी तक बीत चुके हैं, जो 2 लोगों की बातचीत का के ऑडियो का वायरल सच का जो जांच है वो किस स्तर पर है और कितनी गंभीरता से जांच चल रही है। मैं किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस न्यूज़ आर्टिकल को देखने के बाद खुद गेस कर सकते हैं कि कितने ईमानदारी से और कितना तीव्र गति से इस पर जाँच चल रही है। 4 महीने हो जाते हैं एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी जांच करने में। तो ये जो आरोपी इसी तरह से जो गायब हुए हैं इनको भी पकड़ने में देखिए 15 से 20 दिन लग गए, तो अभी तक कहीं भी कोई इनका शिनाख्त नहीं लग पाया है। तो ये कहीं न कहीं जो एसटीएफ की जांच भी चल रही है आईपीएस जी को हटाने के बाद, अनुरुद्ध सत्यार्थ पंकज जी को हटाने के बाद कहीं न कहीं ये खाना पूर्ति ही है
और इस बेसिस पे कितना इसके साक्ष्य सामने आ पाएंगे और ये इस भर्ती में कहाँ तक हम लोगों को न्याय मिल सकेगा, इस वीडियो से या अभी तक जो जांच चल रही है उससे आप खुद ही गेस कर सकते हैं। तो इसमें मित्रों मेरे हिसाब से तो या आपके अकॉर्डिंग भी इसमें CBI यदि केवल जांच हो तभी इसमें पर्दाफाश हो सकता है और अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है, अदरवाइज ये कागजी कार्रवाई चलती रहेगी और शीघ्र शीघ्र 14 जुलाई भी आ जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश देगा बिना बहुत सारे साक्ष्य के, तो ये भर्ती कैंसिल होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ जैसे 72,825 में और 68,500 में धांधली हुई, अन्याय हुआ, वैसे इस बार भी अभ्यर्थी अन्याय के शिकार होंगे। मित्रों आपकी क्या राय है इस जांच के संबंध में, क्या इसमें CBI जांच तुरंत लगनी चाहिए या इस भर्ती को कैंसिल करके पुनः भर्ती कराई जानी चाहिए? यदि मित्रों आपकी कोई राय है इससे संबंधित इसे अवश्य आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। और ये अभी तक जो ऑडियो वायरल हुआ था उसका पूरी जांच का सच आपके सामने है कि इस पर क्या जांच चल रही है और अभी तक इसका डेटा नहीं आ पाया है और शीघ्र STF को ये रिकॉर्ड भेज दिए गए हैं, तो STF जब इस जांच का जो सच है उसके सामने यदि आता है ईमानदारी से तो इससे भी कुछ इसकी परतें खुल जाएंगी। लेकिन क्या इस बेसिस पे भर्ती कैंसिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। तो मित्रों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह की अपडेट आप पा सकते हैं इस पर यदि आप नए हैं इसे सब्सक्राइब करके। तो धन्यवाद मित्रों।